आज भी वो उतनी ही बोल्ड और खूबसूरत हैं जितनी अपने जमाने में हुआ करती थी। डिंपल बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो अपने किरदार को पर्दे पर न सिर्फ खूबसूरती से निभाती थी बल्कि उसे पर्दे पर जीतती भी थी। लेकिन फिल्म को निभाते वक्त कुछ ऐसे भी वाक्य हो जाया करते थे जो हीरोइन के जहन में बैठ जाते थे। ये बात उस दौर की है जब डिंपल को एक फिल्म में रोमांटिक सीन को शूट करना था और उनके साथ उस फिल्म में विनोद खन्ना लीड रोल में थे। फिल्म शूट के दौरान डिंपल के उस वक्त होश उड़ गए जब विनोद खन्ना एक सीन में अपना होश खो बैठे और डिंपल को कस के पकड़ लिया। इस सीन से घबरा कर डिंपल मेकअप रूम में भागी। अगर बात करें विनोद खन्ना की तो वो एक ऐसे हीरो थे कि जब भी कोई फिल्म करते थे तो उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो सच में हो रहा है। यही वजह थी कि बहुत सारी हीरोइनें विनोद के साथ फिल्म करने से डरती थी। एक पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक विनोद खन्ना अंतरंग सीन करते हुए इतने बेकाबू हो जाते थे कि उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसी ही एक अफवाह उड़ी थी फिल्म दयावान के दौरान जब माधुरी दीक्षित के साथ ऐसा ही सीन देते हुए विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि माधुरी के होंठ काट लिए थे। फिल्म रिलीज होने के बाद इस सीन के लिए माधुरी की खूब आलोचना हुई थी। माधुरी से पहले इस घटना की शिकार डिंपल भी हो चुकी थी। ऐसा ही एक सीन करना था फिल्म प्रेम धर्म का। ये वही दौर था जब विनोद खन्ना के सितारे बुलंदियों पर थे और वो डबल शिफ्ट में काम करते थे। इस वजह से महेश भट्ट ने इस सीन के लिए रात का वक्त चुना। जैसे ही महेश भट्ट ने शुरू करने को कहा विनोद डिंपल को कसकर पकड़ लिए। महेश भट्ट के बोलने के बावजूद भी विनोद लगातार वो सीन करते रहे। इस सीन के बाद डिंपल काफी डर गई थी और खुद को किसी तरह विनोद से छुड़ाते हुए भागकर मेकअप रूम में छिप गई। इस घटना के बाद डिंपल विनोद से काफी नाराज थी। बाद में उन्होंने सीन को करने से इनकार कर दिया। तब महेश भट्ट ने डिंपल के पास जाकर उनसे माफी मांगी। महेश ने विनोद की तरफ से सफाई में कहा कि वो नशे में थे जिस वजह से खुद पर काबू नहीं कर पाए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस सीन को विनोद ने किया था इसके बावजूद वो महेश भट्ट से खफा थी। हालांकि यह फिल्म कभी पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाई लेकिन इस फिल्म के बाद भी डिंपल ने विनोद के साथ कई फिल्म किए।